हेलो डियर स्टूडेंट्स, राइट। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। क्या टॉपिक है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड गुड्स। मतलब अपने को ये फाइंड करने का, जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हैं कि किस पे टैक्स लगेगा और किस पे टैक्स नहीं लगेगा, विच इज़ टैक्सेबल एंड विच इज़ एक्सम। तो एग्जाम में सबसे पहले क्या लिखने करने का मानी में, ऐसा टाइप का सेंटेंस क्वेश्चन है ना, तो 15 मार्क्स में तो तुम लोग को 10 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करने से पहले ना ये पूरे 11 ट्रांजेक्शन है ना नोटबुक में उतार देने हैं, राइट, एज इट इज़ पूरे ट्रांजेक्शन उतार देना है। फिर एक एक को रीड करेंगे कि इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो लिखेंगे वरना डैश मार देंगे। तो कौन है ये? मिस्टर गुप्ता, मतलब गुप्ता जी है, राइट। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस और टैक्स रेट कितना दिया? 18% दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है रेंटिंग ऑफ, रेंटिंग मतलब भाड़ा, वैकेंट मतलब खाली ज़मीन, रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड फॉर फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स कल्टिवेशन, है ना। और हॉर्टिकल्चर मतलब होता है फ्रूट्स कल्टिवेशन, और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, फिशिंग मतलब फिशिंग, राइट। ये सब डायरेक्ट एक्टिविटी है ना, नेचर बेस्ड एक्टिविटी है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। मतलब सिंपल बात, फ्लोरिकल्चर पर टैक्स नहीं लगता है। ये सेंटेंस लिखा इस पर टैक्स नहीं लगता है, तो 15,000 के जगह पर क्या डालेंगे? डैश, इट इज़ नॉट टैक्सेबल, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। सेकंड क्या दिया है? अ बिल्डिंग वॉज लेट आउट, मतलब भाड़े पे दिया, किसको? एक्सेल कोचिंग क्लासेस। तो कोचिंग क्लासेस इज ए कमर्शियल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? कमर्शियल। तो जब जो भी कमर्शियल एक्टिविटी, उस पर टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा तो अमाउंट को शो करेंगे ना, 18,000 पे टैक्स आएगा, राइट। टैक्स नहीं लगेगा डैश, टैक्स लगेगा अमाउंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? अ गणेश टेम्पल, है ना, एक मंदिर है, हॉल बोला, राइट, है ना, मंदिर नहीं, हॉल, वॉज लेट आउट फॉर रिलीजियस पर्पज, मतलब लेट आउट किया, भाड़े पे दिया, किस पे दिया? रिलीजियस पर्पज। तो लेट आउट आ गया तो टैक्सेबल है, टेम्पल ट्रस्ट आया तो भी टैक्सेबल है, अगर लेट आउट नहीं आ रहा तो टैक्सेबल नहीं रहता, राइट। तो ये 24,000 टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है। तो टैक्सेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट को लिखना पड़ेगा, 24,000 मैंने क्या कर दिया? लिख दिया, राइट। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? फोर्थ, वैकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, गाय भैंस बकरी का पालन करना, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो डैश मार देंगे, नॉट टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्या दिया है? अ वैकेंट लैंड, खाली जमीन, वॉस लेट आउट, भाड़े पे दिया हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स कल्टिवेशन, तो फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, एग्रीकल्चर, नॉन टैक्सेबल, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, डैश मार देंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया? लोन प्रोसेसिंग फीस चार्ज, तो ये लोन किसका काम है? बैंक का, राइट। तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, तो ये टैक्सेबल नहीं है, इसको एग्जाम करना है, राइट। लोन प्रोसेसिंग फीस एग्जाम्ड है। अभी प्रोफेशनल एडवाइस दिया है, किसको दिया? फ्रेंड को दिया, फ्री ऑफ चार्ज। क्या बोला है? फ्री ऑफ, अगर पैसा चार्ज किया रहता तो टैक्सेबल रहता, फ्री ऑफ चार्ज दिया है तो देयरफॉर इट इज नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल मतलब क्या हो जाएगा? इस पर टैक्स नहीं आएगा ना, तो डैश मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया रेंटिंग लीसिंग, भाड़े पे दिया एग्रो मशीनरी, मतलब एग्रीकल्चर के लिए मशीनरी क्या दिया? भाड़े पे दिया, ट्रैक्टर और सब। तो एग्रीकल्चर आ गया ना, तो डायरेक्ट एक्टिविटी, एग्रीकल्चर आ गया तो एग्जम्प्ट हो गया, ठीक है, नॉन टैक्सेबल। ऑपरेटिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, सेविंग बोलो तो बैंक अकाउंट है सब, तो बैंकिंग इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, बैंकिंग एक्टिविटी है, तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है, सेविंग अकाउंट टैक्सेबल नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? रिसिप्ट ऑफ एडुकेयर कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, कमर्शियल आ गया, जिधर कमर्शियल आ गया आग बन करके टैक्सेबल डाल देने का, राइट, ठीक है। तो कितना दिया लगा कमर्शियल एक्टिविटी? 30,000, तो ये भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। और लास्ट क्या दिया है? रिसिप्ट ऑफ, एक सेकेंड ना, हाँ, इसके बाद बोला है रिसिप्ट ऑफ ईच वन टीच वन एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एफिलेटेड बाय नेशनल काउंसिल, मतलब ये वोकेशनल ट्रेनिंग किसने किया? नेशनल काउंसिल, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, तो गवर्नमेंट के थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग क्या टैक्सेबल नहीं है, ठीक, प्राइवेट रहता तो क्या आता था? टैक्सेबल आता था। तो अभी अपने को क्या मिला? इतने ट्रांजेक्शन में 3 ही अमाउंट टैक्सेबल मिला, बाकी पे टैक्स नहीं मिला, राइट। तो 11 ट्रांजेक्शन लिखा, जिस पे टैक्स था वो अमाउंट शो किया, जिस पे टैक्स नहीं था उसको अमाउंट शो नहीं किया। फिर क्या करेंगे? इसको कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आपका आ जाएगा 1,32,000। ये कॉलम को ऐड किया तो 1,32,000 आ गया। ये क्या? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, मतलब इतने रुपये का लोन या सर्विस सप्लाई किया जो टैक्सेबल है। फिर इसके ऊपर अपने को 9% GST निकालने का, CGST और SGST 9%। क्यों 9% निकालना है? क्योंकि इधर बोला है GST रेट कितना दिया है? 18%, 18 का हाफ 99 आ जाएगा। तो सी बोले तो सेंट्रल, एस बोले तो स्टेट, तो दोनों में कितना परसेंट दे देंगे? 9%। इस पे 9% टैक्स, इस पे 9% टैक्स, तो 9% कितना आ गया इस पे? कैलसी पे कैलकुलेट 11880, वापस इस पे 9% लगा 11880। तो जो टैक्सेबल अमाउंट है उस पे 9% निकालो, दोनों टैक्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 23,760। ये टोटल GST पेबल है। तो जो गुप्ता जी है उन्होंने इतना अलग अलग सर्विस से पैसा अर्न किया, उनको इतना टैक्स क्या करना है?
पे करना है। तो और इसके मैंने रजिस्ट्रेशन एक दो सॉन्ग बना दिया है और इसका PDF भी है, मैं जल्दी बना दूंगा बहुत सारे सॉन्ग एक साथ, 5-6-8-10 सॉन्ग करा दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा। मतलब मैंने इसमें PDF में क्या बनाया, ऐसा राइट और रॉन्ग किया, राइट मतलब टैक्सेबल है और क्रॉस मतलब टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो एक सॉन्ग और ट्राई कर दे रहा है, क्या था, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। बाकी के भी GST के वीडियो बना दिया है, एग्जाम के एक दिन पहले भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत तो मार्क्स मिल जाएगा, राइट। थैंक यू।